गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ इम्पोर्टेंट बातें अबाउट एसिड एज वेल एज बेस। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो कि आप सभी को पता है कि एसिड एसिडिक नेचर के कब कहलाए जाते हैं, जब वो एच पॉजिटिव आयन लूज करते हैं। मतलब ऑल द एसिड शो एसिडिक बिहेवियर बिकॉज दे डिसोशिएट इन एक्वा सॉल्यूशन और प्रोड्यूस क्या करते हैं, एच आयन। मतलब जो एच आयन में टूट जाए उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एसिड। ठीक है, अब मैं आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज देखो C6H12O6, इसमें एच है। ऐसे ही अल्कोहल, देखो ये अल्कोहल है, दारू, इसमें भी एच है। तो आपसे पूछते हैं इसमें भी तो एच है, तो क्या ये एसिड है? जी नहीं। देखो एक बात बता दूं बच्चों आपको कि जब तक इसका एच टूटेगा नहीं, मतलब जब एच पॉजिटिव लूज करते हैं तभी तो एसिड होते हैं, तो जब तक इसका एच नहीं टूटेगा, इसका एच नहीं टूटेगा, तब तक ये कैसे एसिड हो सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि हर कोई मॉलिक्यूल जिसमें एच हो वो ज़रूरी नहीं कि एसिड हो। एसिड वो होंगे जो एच पॉजिटिव लूज़ करेंगे। तो इसमें से लूज़ नहीं होगा, इसमें से लूज़ नहीं होगा, ये लूज़ नहीं होगा। आप पूछोगे क्यों नहीं होगा, तो इनके रिएक्शंस आती हैं हायर क्लासेस में। अभी सिर्फ आप इतना जान लो, यहाँ पर मैं बता भी देती हूँ, जैसे C2H5OH है तो इनकी बॉन्डिंग है ना वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, आपस में इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, और जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो तब ये टूट जाएगा क्या जल्दी से? ओ और एच के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो एच पॉजिटिव नहीं आएगा, एच पॉजिटिव नहीं आएगा तो इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसलिए सब कुछ ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो आप, ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बट दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एट हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में वो हाइड्रोजन सेपरेट ही नहीं होता। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, तो देखो बच्चों अब यहाँ पर कि जो ग्लूकोज आप लोगों को दिख रहा होगा और अल्कोहल दिख रहा होगा, ठीक है, अब इनका नेचर एसिडिक नहीं है। ठीक है, तो HCl है उसका है एसिडिक, क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी मिलाते हो वैसे ही वो टूट जाता है H पॉजिटिव में। मतलब इसने क्या डिसोशिएट कर दिया, H पॉजिटिव के अंदर ये आयंस टूट गए हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, हमारे पास एसिडिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पर कि कैसे शो, कैसे पता लगाएं कि एसिडिक है या नहीं, कैसे पता लगाया चाहे इसमें रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या होता है ना कि जैसे सॉल्यूशन ले लिया मैंने ग्लूकोज का और वही अपना कनेक्शन जो है वो करके रख दिया, तो बल्ब लगा दिया, है ना, होता नहीं है कि वायर वगैरह लगा दी, उस सॉल्यूशन के अंदर वायर डाल दी और बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा, मतलब आयंस मूव नहीं कर रहे। आप सभी को पता है ना कि जब आयंस मूव करते हैं या जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, मूव करेंगे तब क्या होता है, देयर इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या आयंस का फ्लो होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर से मतलब अलाउ हो जाते हैं, वो कंडक्टर जिन्हें हम बोल देते हैं। तो ये कह रहा है ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आयंस में नहीं टूटेंगे, और आयंस में नहीं टूटेंगे तो आयंस फ्लो नहीं करेंगे, और आयंस फ्लो नहीं कर रहे तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मतलब डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? तो आगे मैं बात करूं तो इस फिर से वही बात आती है कि जितने भी सब्सटेंस, ज़रूरी नहीं जिनमें एच दिख रहा है वो एसिडिक हो, लेकिन जो एसिडिक है इसका मतलब वो क्या है, एच पॉजिटिव आयन जरूर रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो ये आता है पेपर में, नोट कर लेना इसे। नेक्स्ट की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो देखो, सबसे पहली बात है डिस्टिल्ड वाटर होता है और एक रेन वाटर। डिस्टिल्ड वाटर होता है प्योर पानी, प्योर है तो इसके अंदर क्या होगा कि अदर आयंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल प्योर है, सिर्फ एच पॉजिटिव होगा, ओ एच नेगेटिव, वो भी ये जो है एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में स्लोली स्लोली डिकम्पोज होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता डिस्टिल्ड वाटर, जबकि रेन वाटर करता है। क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ क्या है, कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है कि आयंस फ्लो कर सके। ठीक है, जहाँ आयंस आ जाएंगे वही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
मतलब अलो करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो रेन वाटर में क्या है, आयनिक कंपाउंड की प्रेजेंस है, ठीक है। रेन वाटर में आप लोगों को पता है क्या होता है, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो टूट जाता है आयंस के अंदर, है ना, H पॉजिटिव CO32 नेगेटिव, ठीक है। तो जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। तो ये बात था हमारा, ये था दूसरा क्वेश्चन कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, और रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, वाई। तो आपको रीज़न बताना है, आपको बता दिया है रीज़न। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि एसिड जो है वो एसिडिक करेक्टर जब तक शो नहीं करेंगे जब तक उनमें पानी ना हो, क्यों? तो आप कहते हैं ना भाई, जब पानी ऐड करेंगे तभी एच पॉजिटिव आयन वो रिलीज़ करेंगे, और एच पॉजिटिव रिलीज़ होगा तभी एसिडिक होंगे, ठीक है ना। जब तक पानी डालोगे नहीं तब तक एच पॉजिटिव नहीं आएंगे, ठीक है, तो कैसे होंगे वो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, हाँ एक बात और बताती हूँ, HCl गैस होती है रूम टेम्परेचर पर, ये बात याद रखना। जब HCl में पानी मिलाते हैं तब वो टूटता है H पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, तब बिहेव करता है एसिड की तरह। तो HCl को एसिड मत बोलना जब तक पानी ना मिलाओ, पहले गैस ही बोलना, समझ गए। तो ये आता है, ये सब कुछ ये लिखा हुआ है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार एक्टिविटी पूछ लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखो जैसे इसमें दिखा भी रखा है, HCl गैस थी, वाटर में डिजोल्व किया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गई। और ये भी हो सकता है HCl H2O है, ठीक है। तो देखो H ये टूटा था H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, HCl है ना पानी की प्रेजेंस में, तो ये भी तो हो सकता है। वाटर के पास होते हैं लोन पेयर, वो जुड़ जाते हैं H के साथ। चलो आप लोगों को अभी इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं पता है, चलो मैं आप लोग कुछ बताती हूँ, एक बार यहाँ बताती हूँ। देखो देखो वाटर का स्ट्रक्चर ना एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है, बेंट लाइक, ये बॉन्ड है, दो दिख रहे हैं ना H, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड है, ऐसे ही बॉन्ड पेयर है ना, ऐसे लोन पेयर होते हैं वाटर में दो। लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये जो H है, H पॉजिटिव होता है ना ऐसे, तो ये नेगेटिव इस पे अटैक करते हैं, भाई नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करते हैं क्योंकि नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो क्या बन गया, देखो दो तो H पहले से ही थे, तीन H हो गए ना, एक O है और पॉजिटिव चार्ज था इस पे, ये बन गया, प्लस HCl में से Cl नेगेटिव निकलेगा, ये बन गया। देखो मैं नहीं कहती ये आप करो ही करो, लेकिन अगर समझ में आ गया तो कर लेना, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि H पॉजिटिव आयन में टूट जाता है HCl जब उसमें पानी मिलाते हो, अदरवाइज याद हो जाए तो, मतलब जैसे बताया है तो इसे H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन्स, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन्स, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन्स, लिख देती हूँ यहाँ, H3O पॉजिटिव का नाम होता है हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोनियम, ईएम मतलब पॉजिटिव चार्ज हो इस पर, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये नाम होता। आगे बढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता अब ये चीज़ें बताने की ज़रूरत है आप लोगों को कि एसिड क्या होते हैं, ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं कि नहीं बोलते, क्योंकि मैं सब बता चुकी हूँ, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड जो जल्दी जल्दी एच पॉजिटिव दे दे, वीक एसिड जो धीरे धीरे एच पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ मैं, तो इस चीज़ को स्किप करके आगे बढ़ती हूँ। हाँ ये देखो, ये बताने की ज़रूरत है। अब देखो, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होता है डाइल्यूट, ठीक है। अब मुझे बताओ, डाइल्यूट मतलब जिसमें क्या हो, पानी ज़्यादा हो, कंसंट्रेटेड मतलब अगर मैं कहूँ कंसंट्रेटेड एसिड है तो इसका मतलब इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी और पानी की मात्रा कम होगी, ठीक है। मैं इसे एक बार हटा के और चीज़ लिखती हूँ। तो देखो मैंने कहा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मैंने अगर लिया, इसका मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा है। अब ये कह रहा है उसको क्या कर दो, डाइल्यूट कर दो। तो कोई तुमसे पूछे कि अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को तुम डाइल्यूट करते हो, मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करते हो, तब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी, सोच के देखो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब एसिड का ले रहे हो तो H पॉजिटिव की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। डाइल्यूट करा, इसका मतलब H डाइल्यूट मतलब पानी मिलाया, और पानी में H पॉजिटिव भी होते हैं और OH नेगेटिव भी, ठीक है।
अब मैं क्या पूछ रही हूँ तुमसे कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी। अरे भाई हाइड्रोजन तुम्हें ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन OH नेगेटिव क्या कर देगा इन्हें, न्यूट्रल भी तो कर देगा। तो OH नेगेटिव H के साथ मिलकर इन्हें न्यूट्रल बना देता है। इसीलिए आप यही कहना कि डाइल्यूट करते वक्त अगर एसिड है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड को, तो उसकी मात्रा जो है उसका जो पर यूनिट वॉल्यूम है हाइड्रोजन आयन का वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयन भी ऐड होते रहते हैं। अब कोई आपसे पूछेगा कि बताओ यूज़ बताओ एसिड के, क्या क्या यूजेस हैं जो आप लोग पढ़ते हो। देखो पहला तो आपके पास एसिड पता होना चाहिए, तो पहला यूज़ लिख देना इंडस्ट्री में, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। सोच के देखो सल्फ्यूरिक एसिड किस में यूज़ होता है, सबसे पहली बार डिटर्जेंट में यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स में, पेंट्स में, इनमें डाला जाता है भाई एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। और रही बात नाइट्रिक एसिड की मैं बात करूँ तो नाइट्रिक एसिड किस में यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव मतलब बॉम वगैरह जो बनाते हैं ना तो नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड उसमें भी यूज़ किया जाता है। ऐसे ही मैं कहूँ दूसरा एसिड HCl, HCl किस में यूज़ होता है आप सोच के देखो इसमें, कि हमारे पास जो लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल्स हैं, फूड इंडस्ट्री वगैरह है, उन सब में HCl यूज़ होता है, एसिड है ना एक, ठीक है। तो इस तरीके से आप H2SO4, HNO3, HCl इन सब के यूजेज आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी ना आए तो भाई इतना लिख देना कि ये इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है, बड़े पैमाने पर यूज़ करते हैं इन्हें। अब नेक्स्ट देखो आता है बेस। अब बेस की बात आती है तो बेस क्या होते हैं, बेस वो आप सभी को बता चुकी हूँ मैं, बस इतना कर लेना, बेस बिटर होते हैं टेस्ट में, कड़वे, जैसे एसिड खट्टे ऐसे बेस कड़वे, और एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आपस में मिलकर, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि जब एसिड की रिएक्शन बेस से करोगे तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेस किसको, एसिड को। बेस के एग्जांपल NaOH, जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं उन्हें बेस बोलते हैं, है ना। तो पानी में मिला दो इन्हें भी NaOH को, OH नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। OH नेगेटिव रिलीज होते ही ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेस की तरह, ठीक है। अब एक दूसरी बात भी आती है कि कुछ बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं तो कुछ बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो जो बेस सोल्यूबल होते हैं पानी में उन्हें बोलते हैं अल्कली। ए बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। मैंने 5th चैप्टर में बताया था कि फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है उसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि वो सब क्या है, वो बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। पानी में इन्हें डिजोल्व करते ही वो क्या करते हैं, OH नेगेटिव रिलीज कर देते हैं। मेन बात ये भी है कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं इसीलिए उन्हें अल्कली बोलते हैं। तो जैसे NaOH फर्स्ट ग्रुप के देख लो, NaOH, KOH, CaOH, ये सब वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कर लेना इन्हें याद, याद करने की तो ज़रूरत नहीं है, इतना तो बता रखा है। देखो MgOH का उल्टू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में यूज़ होता है, ये एंटा एसिड में, एसिड एसिडिटी रिमूव करने में, मतलब COH का होल टू की मैं बात करूँ तो ये लाइम वाटर होता है, CO2 का टेस्ट नहीं किया था, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो देखो भाई बेस की सबसे पहली वही कि बेस जो है पानी में डिजोल्व होती है OH नेगेटिव क्या करता है, में टूट जाता है, ठीक है। ऐसे KOH की बात करूँ तो OH नेगेटिव में टूट जाता है। ऐसे MgOH का होल टू की बात करूँ तो देख लो Mg पे कितना साइन आता है, दो पॉजिटिव, HOH कितने हैं, दो है ना, तो आगे दो लगाते हैं, दो OH नेगेटिव, वाटर जब ऐड किया है तब, ठीक है। तो अब फिर से वही बात आती है कि बेस में मतलब आपके पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इज डाइल्यूट, सीधी बात याद करो कि कंसंट्रेटेड एसिड में को भी डाइल्यूट करोगे तो भी एच आयन की कंसंट्रेशन घटेगी, और यहाँ बेस को भी डाइल्यूट करोगे तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन घटेगी। सोचो कैसे, ये बताती हूँ यहाँ पर, इसमें देखो कंसंट्रेटेड बेस है इसका मतलब किसकी मात्रा ज़्यादा है, OH नेगेटिव के आयन बढ़ते ही जा रहे हैं, पानी मिला दिया इसका मतलब H पॉजिटिव भी बढ़ रहे हैं, OH नेगेटिव भी, तो OH नेगेटिव ओवरऑल बढ़ तो रहे हैं लेकिन H पॉजिटिव इनको क्या कर रहा है, न्यूट्रल। तो जितने थे OH नेगेटिव उसको भी इसने न्यूट्रल कर दिया, तो OH नेगेटिव टोटल की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई भाई, ठीक है। तो ये कह देना कंसंट्रेटेड एसिड हो या बेस हो जब उनको डाइल्यूट करते हैं
तो एसिड में तो HIN की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और बेस में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। बेस दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो जल्दी जल्दी OH नेगेटिव रिलीज करें, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि विच कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर, ठीक है, और लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव प्रोड्यूस करे, है ना। स्ट्रॉन्ग है मतलब कम्प्लीटली टूट रहा है, किसमें OH नेगेटिव आयन्स दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक की बात करो तो पार्शियली आयनाइज होते हैं, धीरे धीरे, है ना, और पूरी तरीके से होते भी नहीं है। तो ये जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई, ये होते हैं। अब प्रॉपर्टी की बात करूँ तो बेस बिटर होते हैं, बता दिया था आपको। सोपी टू टच होते हैं, ये भी स्टार्टिंग में बताया था। ये भी बताया था कि ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, बी से बेस, बी से ब्लू, ठीक है। फिर ये बताया था कि बेस जो होते हैं वो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं, इसका मतलब आयन्स रिलीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मतलब अपने आयन्स में टूटना, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब कुछ रिएक्शंस देख लो भाई। बेस जो है वो मेटल से जब रिएक्शन करते हैं तो किस चीज़, क्या मतलब प्रोड्यूस करते हैं, तो देखो भाई एक बात ध्यान रखो इसमें, जो इसमें जो है जिंक एक मेटल है और ये एक बेस है। मुझे बताओ क्या जिंक Na को रिप्लेस कर सकता है? Na ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम है, तो कैसे रिप्लेस करेगा, नहीं कर सकता। लेकिन NaOH में हमारे पास H तो है, H कम रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा हमारे यहाँ पर कि जिंक H को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर H हटके तो H2 गैस में रिलीज हो जाएगा, बाकी क्या बच गया, एक तो Na बच गया, एक O बच गया और एक जिंक बच गया, Na जिंक O। तो इनका जो एक वैलेंसी के साथ मैं इसका कंपाउंड बना रही हूँ, वो कंपाउंड होता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, ठीक है भाई। ये कंपाउंड आपको याद करना है, वैसे तो स्ट्रक्चर से पता लगा लेते हैं, बट स्ट्रक्चर आएगा 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है। अभी इतना मेन याद कर लो आप कि जिंक Na को हटा नहीं सकता, जिंक O को हटा सकता है, है ना। तो O को हटा, सॉरी H को हटा सकता है, तो H से H2 निकलती है और H को जब हटाएगा तो खुद जाके वहाँ लग जाएगा, ठीक है भाई। तो ये थी हमारे पास इसकी रिएक्शन। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, क्या बनाएगा, सोल्ट। देखो बेस है NaOH, H2SO4 है एसिड, है ना, बेस की रिएक्शन कर रहे हैं एसिड के साथ, क्या बनेगा, सोल्ट। अरे ऑब्वियस सी बात है, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, मतलब Na की वैलेंसी है 1, सल्फेट की वैलेंसी है 2, क्या बन जाएगा, Na2SO4, समझ गए। और H यहाँ से, H और यहाँ से OH, मतलब पानी निकल जाएगा बाहर। तो एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, ठीक है। मींस एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म सोल्ट, ठीक है भाई, आगे समझ में। देखो ना, न्यूट्रल हो जाता है सब्सटेंस। अब कोई पूछे कैसे हो जाता है न्यूट्रल, तो आप कहोगे एसिड ने क्या छोड़ा, एच पॉजिटिव, बेस ने क्या छोड़ा, OH नेगेटिव, तो एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव से क्या बनता है, पानी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, न्यूट्रल, पानी न्यूट्रल होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट मैं अगर आपसे कहूँ कि देखो भाई, ये बेस था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हमने बोला लाइम वाटर, ठीक है। इस बेस की आप रिएक्शन करा रहे हो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, CO2 गैस नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है भाई, क्या बनेगा। कभी भी बताया था जब CO2 किसी में ऐड करो तो CO3 बनता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, बचा हुआ क्या निकल जाएगा, पानी। तो जिसके पीछे CO3 हो, मतलब कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, वो सब क्या होते हैं, सोल्ट। बाकी सोल्ट आएगा अलग से, तब आपको समझा दूंगी। अभी सिर्फ इतना देखो, जब CO2 को ऐड करने की बात आए तो कार्बोनेट बनता है, और जब इसको तोड़ने की बात आए तो CO2 निकलती है, ठीक है। यूजेस करने हैं लास्ट में बेस के, तो बेस की यूज आप लोग कर ही लोगे भाई। बेस साबुन जब बनाते हैं, कपड़े धोने की हो चाहे नहाने की हो, तब बेस उसके अंदर ऐड किया जाता है, कौन सा बेस, NaOH, ठीक
ठीक है भाई। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करवाने में जो चीज़ यूज़ होती है वो बेस होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही कपड़े वगैरह में, इन सब में यूज़ होता है वो क्या होता है, बेस होता है। ऐसे एंटा एसिड, पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना, तो उसके लिए भी, उसे न्यूट्रल करने के लिए हम बेस लेते हैं, या तो इनो वगैरह नहीं लेते जैसे, ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बताया था ना MgOH का होल टू, कैसे आया ये, मैग्नीशियम की वैलेंसी दो OH की एक, तो MgOH का होल टू ही तो आएगा, है ना। तो ये सब थे बेस के यूजेज़ जो आपको करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना आप लोग।